क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समान भुजाएं एबी और एसी क्रमशः एक्स और वाई तक बढ़ाई है, एबी और एसी को एक्स और वाई तक बढ़ाया गया, तो सिद्ध करना है कि एंगल एक्सबीसी बराबर में एंगल वाईबीसी, यानी कि एक्सबीसी और वाईसीबी, सॉरी एक्सबीसी और वाईसीबी, यह बाहर वाले दोनों बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और क्या दिया है कि इसमें ए बी बराबर है एसी के, तो सिद्ध करना है, और जो बढ़ाई गई है ऐसे कह सकते हैं, लिख देंगे चाहो तो लिख सकते हो कि ए बी तथा एसी को क्रमशः एक्स तथा वाई तक बढ़ाया गया है, तो फिगर में दिख रहा है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। चलिए तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, एंगल एक्स एक्स बी सी बराबर में एंगल वाई सी बी। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए यहाँ पे ए बी बराबर में एसी दिया है, ए बी बराबर में एसी दिया है, तो आपको पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर में एंगल ए सी बी हो जाएगा। लिख सकते हैं ना कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं समीकरण एक मान लेता हूँ। अच्छा देखो ना, एंगल ए बी एक्स बराबर में एंगल ए सी वाई हो जाएगा, देखो दोनों 180 180 होगा, एक रेखा है ना जी, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। देखो ए बी एक्स यह पूरा और एंगल ए सी वाई यह पूरा, दोनों 180 होगा ना जी। चलिए तो अब समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दो, समीकरण एक घटाने पर चलिए घटाते हैं। यहाँ पे देखो कितना सिंपल है, यह एंगल ए बी एक्स माइनस में एंगल ए बी सी, एंगल ए सी वाई माइनस में एंगल ए सी बी। देखो ए बी एक्स में से ए बी सी यह वाला कोण घट जाएगा, तो आपका यही वाला ना कोण बचेगा, यानी कि एंगल एक्स बी सी हो जाएगा, और एंगल ए सी वाई में से इस पूरे में से यह वाला कोण घटा देंगे एंगल ए सी बी, तो यही वाला ना कोण बचेगा बाहर वाला एंगल वाई सी बी, ठीक है। तो यह प्रमाणित हो गया, यही तो हमें दिखाना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला।